अस्सलाम वालेकुम मेरे अल्ट्रा दोस्तों, मैं हूं आपका भाई हबीब और आप देख रहे हैं हबीब अल्ट्रा यूट्यूब चैनल। एंड गाइस, बहुत जल्द पाकिस्तानी मार्केट में ओप्पो की तरफ से आ रहा है ओप्पो F15 का सक्सेसर यानी ओप्पो F17 प्रो। डिवाइस इंडिया में पहले से लॉन्च हो चुकी है, इंडिया के अंदर अभी भी ये डिवाइस मौजूद है, पाकिस्तान के अंदर आने वाला है एक्सपेक्टेडली इसी महीने की 15 तारीख को। इस वीडियो में हम करने वाले हैं ओप्पो F17 की अनबॉक्सिंग प्लस रिव्यू, तो मेक श्योर वीडियो को कहीं से भी स्किप मत कीजिएगा। एंड बाय द वे, आंखें बंद करके ये फैसला ना करें कि मैंने ये डिवाइस लाजमी लेना है, क्योंकि वैल्यू पर मनी नहीं है। मेरी अपनी ओपिनियन है कि भाई ये डिवाइस वैल्यू पर मनी नहीं है। मार्केट के अंदर पहले से जो कंपटीशन है, जो कि स्पेशली पोको ने बनाई है, बहुत मुश्किल है भाई इस डिवाइस को इसी पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन के साथ आगे जाना। आई थिंक मुझे पर्सनली लग रहा है कि ये डिवाइस हो सकता है कि फ्लॉप हो जाए, क्योंकि यहाँ पे जो स्पेसिफिकेशन हमें मिल जाती है, बाकी जो डिवाइस है वो जो स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड करती है इसी रेंज में नहीं, बल्कि ओप्पो का भी आदत है, मैंने पहले बताया कि रियलमी का आदत है ओवर प्राइस डिवाइस लॉन्च कर देती है, ओप्पो का भी आई थिंक यही आदत है, हमेशा डिवाइसेस ओवर प्राइस लॉन्च कर देती है। बट इस बार मुझे लग रहा है कि जो स्पेसिफिकेशन इस डिवाइस के अंदर आती है, मार्केट में बहुत ज्यादा कंपटीशन है। यहाँ पे पोको X3 भी आ रहा है, साथ ही साथ इनफिनिक्स की तरफ से जीरो एट आ रहा है, इसके साथ साथ टेक्नो कैमन 16 प्रीमियर भी आ रहा है जो कि इसी हफ्ते पाकिस्तान के अंदर लॉन्च हो जाएगा। ये डिवाइस मेरे ख्याल में वैल्यू फॉर मनी नहीं है। क्यों नहीं है, इस पर मेरी एक डिटेल वाली वीडियो आने वाली है। इस वीडियो में सिर्फ मैं अनबॉक्सिंग करूंगा कि ये डिवाइस किस टाइप का होगा, फर्स्ट लुक इसकी क्या होगी, फर्स्ट इंप्रेशन क्या होगी, लेकिन इसकी जो डिटेल वाली वीडियो है कि भाई ये डिवाइस वैल्यू फॉर मनी है या नहीं, इसके अल्टरनेटिव कौन सा डिवाइस सबसे ज़्यादा बेस्ट है जो कि हमें इतनी प्राइस में, मतलब इस डिवाइस की जो प्राइस है इतनी ही प्राइस में बेस्ट क्वालिटी हमें प्रोवाइड करे, तो मेक श्योर कहीं से भी वीडियो स्किप मत कीजिएगा। लेट्स गो ऑन अनबॉक्सिंग, चलिए जाते हैं भाई अनबॉक्सिंग की तरफ कि डिवाइस के अंदर हमें क्या मिल जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो कुछ इस टाइप का है हमारी डिवाइस का डब्बा, डिवाइस के डब्बे का लुक कुछ मज़ेदार सा है, इतना बुरा नहीं है, बुरा मैं नहीं कह सकता। यहाँ पे कुछ मेन स्पेसिफिकेशंस है, ICC भी लिखा हुआ है यहाँ पे, एंड साइड बाय साइड अगर हम देखेंगे ना तो डिवाइस की कुछ स्पेसिफिकेशंस वगैरह यहाँ पे मेंशन है। एंड यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना तो ऊपर ओप्पो का एक ब्रांड का ओप्पो F17 का नाम लिखा है, ICC है, कुछ मेन फीचर्स है जो कि डब्बी की ऊपर भी लिखी गई है। तो यहाँ पे इसका जो डब्बा है इसको हम करते हैं भाई ओपन। यहाँ पे पहले नंबर पर हमारा डिवाइस हमें मिल जाता है जो कि इसका लुक है। यहाँ पे इसको साइड पर हम देखेंगे, डिवाइस की जो मेन कॉम्पोनेंट्स है उसको हम यहाँ से निकाल लेते हैं। ये सिलिकॉन कैस होगा, एक 30 वोल्ट का सुपर चार्जर है जिससे आप अपने डिवाइस को पासली चार्ज कर सकते हैं। चार्जर कमाल का है, इतना ज़्यादा बुरा नहीं है, बहुत अच्छा सा चार्जर है जो कि नॉर्मल पहले से ओप्पो F11 से ही आ रहा है, आई थिंक यही चार्जर है, बट थोड़ा सा इम्प्रूव कर दिया गया है। बाकी एक टाइप सी का केबल मिलेगा शायद, एंडिया से एक टाइप सी केबल है जो कि इस डब्बे के अंदर मौजूद है, आपको मिल जाएगा। एंड यहाँ पे इसके साथ साथ हमें हेडफोन्स भी मिल जाती है, नॉर्मली आजकल नहीं मिल रहे। एंड यहाँ पे एक सिलिकॉन का केस तो नहीं है, आई थिंक TPU केस है, ये केस भी इतना बुरा नहीं है, बेहतर है। कुछ यूज़र मैनुअल है जिसको मैं पढ़ता नहीं है, सो इसको रखूँगा भाई साइड पे। एंड यहाँ पे हमें मिल जाता है एक सिम इजेक्शन टूल। बाकी डिवाइस की लुक की अगर हम बात करेंगे तो डिवाइस काफ़ी प्रीमियम लुक प्रोवाइड करती है, एक स्लिम डिवाइस है, वज़न भी इतना ख़ास नहीं है। बाय द वे, डिवाइस के डिज़ाइन को अगर हम देखेंगे ना तो डिज़ाइन बिल्कुल ज़बरदस्त। जो कैमरा मॉड्यूल है ये आई थिंक हवावी की Nova 7i से इंस्पायर्ड है। बाकी डिवाइस की लुक काफ़ी प्रीमियम है। इसी साइड पे हमें मिल जाती है भाई सिम के एक ट्रे जहाँ पे हम अपना मेमोरी कार्ड और सिम वगैरह डाल सकते हैं। ऊपर साइड बिल्कुल एम्प्टी है। नीचे साइड भी यहाँ पे हमें मिल जाता है एक स्पीकर, एक टाइप सी पोर्ट है और साथ ही साथ 3.5 mm ऑडियो जैक यहाँ पे हमें मिल जाता है। तो सिम ट्रे निकालते हैं कि यहाँ पे सिम ट्रे के अंदर हमें क्या मिलता है। तो एग्जैक्टली यहाँ पे आप एट अ टाइम 2 सिम्स और एक मेमोरी कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि अच्छी बात है इस डिवाइस के लिए। आजकल इतना नहीं है डिवाइस के अंदर, बट खैर ये बेहतर है। डिवाइस को ओपन करते हैं और सेटअप करते हैं कि डिवाइस के अंदर हमें अंदर क्या मिल जाती है, रेजोल्यूशन वगैरह, बाकी मेमोरी रैम वगैरह तो खैर मैंने बता दी, 8 GB 128 GB का रैम है। डिस्प्ले आई थिंक बेहतर है, ज़बरदस्त है, सुपर एमोलेड पैनल है यहाँ पे। बट कुछ स्पेसिफिकेशन ऐसे है जो कि आजकल के जो डिवाइस है यानी मार्केट में मौजूद है उसके साथ मैच नहीं कर सकता अपनी प्राइस रेंज में, बट खैर इसको आगे देखेंगे, स्पेसिफिकेशन की तरफ जाएंगे। अबाउट में जाकर यहाँ पे सबसे टॉप पे हमें मिल जाता है एंड्रॉयड वर्जन 10, एंड ऑफ कोर्स एंड्रॉयड वर्जन 10 ही मिलेगा।
बाकी जो डिटेल है इस पर इंशाल्लाह एक डिटेल वाली वीडियो आएगी। ये कुछ छोटे मोटी डिटेल्स है जिसको अभी इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं भाई चेक। सो यहाँ पे इस डिवाइस की कैमरा की तरफ चलते हैं कि कैमरा की सेटिंग क्या है। तो यहाँ पे तमाम मोड्स हमें मिल जाती है जो कि नॉर्मली आजकल के जो कैमराज है उसके अंदर मिल जाते, जैसे कि पोर्ट्रेट है, पैनोरामा है, स्लोमो है, और मतलब जितनी भी मोड्स आजकल मौजूद है डिवाइस के अंदर तमाम की तमाम मोड्स हमें मिल जाती है यहाँ पे, जैसे कि एक्सपर्ट मोड है, टाइम लैप्स है एंड व्हाटएवर, बहुत सारे मोड्स है बट जो कि यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करने वाले। डिटेल वाली वीडियो आ रही है, बहुत जल्द वेट कीजिए। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अच्छी लगते हैं तो लाइक करना मत भूलिएगा। इस तरह की कमाल की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी बेहतर टॉपिक के साथ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।